मैं दुनिया भर में लोगों को अर्धकुंभ में आने के लिए न्योता दे आया हूं कि हम सब मिलकर प्रयागराज के इस पवित्र कुंभ को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, एक भव्य कुंभ, एक दिव्य कुंभ, एक सुरक्षित कुंभ की ओर लेकर जाएंगे। कभी मोदी का प्रयागराज दौरा तो बार बार योगी का कुंभ की तैयारियों का जायजा लेना। लोकसभा चुनाव से पहले कुंभ का ये मेला बीजेपी सरकार के लिए साख का सवाल बना हुआ है। राम मंदिर पर चौतरफा घिरती नजर आ रही बीजेपी को अब कुंभ के आयोजन से बड़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि कुंभ के आयोजन के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पहली बार दुनिया भर में इस तरह की ब्रांडिंग की जा रही है। पीएम मोदी और योगी सरकार ने कुंभ के लिए खजाना खोल दिया है। 2012 में मेले का बजट 200 करोड़ रुपए था। चुनावी साल होने की वजह से जो इस बार करीब 2200 करोड़ रुपए पहुंच गया है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा तीर्थ आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौराणिक महत्व वाले प्राचीन अक्षयवट मंदिर और सरस्वती कूप को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अक्षयवट और सरस्वती कूप के लिए जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया। रास्ते का उद्घाटन करने के साथ ही सीएम ने अक्षयवट और सरस्वती कूप का दर्शन कर परिक्रमा पूरी की। साधु संतों के साथ ही आम आदमी भी काफी दिनों से अक्षयवट को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने की मांग कर रहे थे। उद्घाटन के बाद योगी ने एक बार फिर इशारों में कई और बड़े काम होने की बात कहकर वोट बैंक साधने की कोशिश की। 450 वर्षों के बाद अक्षयवट के दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुजनों को प्राप्त होगा, इसके लिए आज हम लोगों ने इसकी घोषणा भी कर दी है, उस मार्ग का लोकार्पण भी कर दिया है। दिसंबर में संगम में दर्शन पूजन कर पीएम मोदी ने कुंभ के जरिए पहले ही 2019 का सियासी शंखनाद कर दिया था। वहीं कुंभ के दौरान भी पीएम त्रिवेणी में डुबकी लगाने आने वाले हैं। पिछले चुनाव में बनारस की गंगा मैया की सियासी दांव ने जहां मोदी के पीएम बनने के रास्ते को साफ करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, वहीं इस बार सरकार को संगम की डुबकी से बड़ी उम्मीदें हैं। 24 जनवरी को एक बार फिर प्रधानमंत्री का प्रयागराज आने का कार्यक्रम है। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी कुंभ में शिरकत करने वाले हैं। सनातन धर्म और परंपरा के अनुसार अर्धकुंभ को कुंभ का दर्जा देकर मोदी और योगी सरकार संगम में सियासी डुबकी लगाकर सत्ता का पुण्य कमाने की कोशिश में लगी हुई है। सरकारी विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सब में अर्धकुंभ की जगह कुंभ की ब्रांडिंग कर आयोजन को बड़ा रूप देने की कोशिश की जा रही है। कुंभ के मेले को यूनेस्को से अमूल्य धरोहर के रूप में मान्यता दिलाकर मोदी सरकार ने एक और बाजी मारी है, जिसकी तारीफ अमिताभ बच्चन करते नजर आ रहे हैं। मुझे 2-3 बार कुंभ जाने का सौभाग्य मिला है। जब जब गया हूं वहां से अचंभित होकर ही लौटा। इतने सारे लोग भक्ति और आस्था के लिए एक साथ एक जगह, मानवता का ये महोत्सव सच में अद्भुत होता है। आपको पता है यूनेस्को ने भी कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर माना है। हमारे पूरे देश के लिए ये बड़े गर्व की बात है। उधर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराकर चर्चा में आई सूबे में योगी सरकार ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने का ऐलान किया है। पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को देश के राज्यों में भेजकर वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और संतों से मुलाकात कर मानवता के संगम में शिरकत करने को आमंत्रित किया है। वहीं दुनिया के 71 हेड ऑफ नेशन को बुलाकर योगी ने इतिहास रच दिया है। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी कुंभ में शामिल होने की सलाह दी। दिनेश शर्मा ने कहा था कि दादा फिरोज गांधी की कब्र पर मोमबत्ती जलानी चाहिए। संगम तट की रेत को सियासत लगातार गर्म कर रही है। राम मंदिर पर बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी का पीछा कुंभ में भी छूटता नहीं दिख रहा। कुंभ के दौरान 31 जनवरी और 1 फरवरी को साधु संतों की धर्म संसद लगनी है, जहां राम मंदिर को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। ऐसे में इस बार कुंभ में आस्था श्रद्धा के अलावा सियासी डुबकी पर भी सबकी नजरें हैं।